हेलो इंजीनियर्स, मैं महेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूँ सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के न्यू एपिसोड जॉब तड़का में। जैसा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी रेगुलर आ रही है और आज भी काफ़ी सारी जो वैकेंसीज है वो आई हुई है, तो बिना रुके हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। तो हमारा जो पहला जॉब वैकेंसी है ये देखने को मिलता है MIT यूनिवर्सिटी से। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारी पहली जॉब वैकेंसी है ये किसी यूनिवर्सिटी से आई हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि हर एक इंडस्ट्री को यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स की नीड होती है जब भी उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड करना होता है। तो ऐसे ही केस यहाँ पे हमको MIT यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे MIT यूनिवर्सिटी से अभी नया जो जॉब वैकेंसी आया हुआ है ये है सिविल साइट इंजीनियर का। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये आपका BA BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे सिविल गुरुजी से लिया हुआ ट्रेनिंग है और आपके पास अगर 3 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आसानी से आप इस जॉब पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं, आप इस जॉब पोस्ट के एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे नोएडा UP लोकेशन देखने को मिलती है, और साथ ही इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इसके अलावा जो अदर लोकेशन जहाँ पे भी इनकी यूनिवर्सिटीज़ बिल्ड होती है उस लोकेशन के लिए भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और तो फर्दर आप इसमें से कोई भी इंक्वायरी आप करना चाहते हैं या फिर आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए हुए ईमेल एड्रेस जो कि है sanjay@mit.edu इस पर आप अपना रिज्यूमे और पोर्टफोलियो सेंड करते हुए जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब पोस्ट हम देखते हैं तो ये आया हुआ है Astro Energy से। यहाँ पे सिविल डिज़ाइन इंजीनियर का जॉब पोस्ट निकला हुआ है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये BA BTech सिविल इंजीनियर का यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मंगा हुआ है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मिनिमम कम से कम आपका जो है 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, और लोकेशन इन्होंने मेंशन नहीं किया है ना ही इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है anukesh@astroenergy.com। इस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको अगर कोई भी फर्दर इंक्वायरीज करनी है, चाहे आपको यहाँ पे जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर अगर आपको यहाँ पे अपने रिज्यूमे और पोर्टफोलियो सेंड करना है तो आप इस ईमेल एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं। अगला जॉब पोस्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये आया हुआ है GRJ ग्रुप के द्वारा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर काफ़ी बड़े पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है आई हुई है, जिसमें पहला जो जॉब पोस्ट है ये चीफ इंजीनियर का जॉब पोस्ट है जिसमें मिनिमम कम से कम आपका BTech होना ही चाहिए, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम आप यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें आपका होना ही चाहिए एक्सपीरियंस क्योंकि काफ़ी बड़ा पोस्ट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए यहाँ पे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया BA या BTech होना चाहिए अगर आप चीफ इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे BA BTech या डिप्लोमा भी है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आपको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 10 से 15 साल का होना ही चाहिए। लोकेशन इन्होंने मेंशन नहीं किया है ना ही इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन किया है। तो अगर आप इस जॉब पोस्ट के लिए कोई भी फर्दर इंक्वायरीज करना चाहते हैं या फिर आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो रिज्यूमे है और जो भी पोर्टफोलियो आपने बनाया होगा ये दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर इंक्वायरी करनी है तो आप इस फ़ोन नंबर के थ्रू और इस मोबाइल नंबर के थ्रू आप कॉल करके भी इंक्वायरीज कर सकते हैं। अगला जॉब पोस्ट जो हमको देखने को मिलता है ये है बिलिंग इंजीनियर का जॉब पोस्ट और सिविल इंजीनियर का जॉब पोस्ट। दो अलग अलग जॉब पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है जिसमें अगर आप बिलिंग इंजीनियर के जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपका यहाँ पे BTech होना चाहिए और साथ ही साथ 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। सिविल इंजीनियर के जॉब पोस्ट के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये आपका BA BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी 10 से 15 साल का यहाँ पे इन्होंने मंगा हुआ है। लोकेशन इन्होंने मेंशन नहीं किया है ना ही यहाँ पे जॉब पोस्ट मेंशन किया है कि कितने नंबर ऑफ जॉब पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर आप इसके लिए फर्दर इस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इसमें कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस दिए हुए ईमेल एड्रेस जो कि है singsutender@gmail.com और ssc.jaipur07@gmail.com इस पर आप इंक्वायरीज कर सकते हैं। ओके इंजीनियर्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारी जो नेक्स्ट बैच है अभी 2 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है, तो अगर आप में यहाँ पे कोई भी आपके पास अगर ट्रेनिंग नहीं है, आप में यहाँ पे अगर आपको स्किल्स की कमी है,
आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 जनवरी से हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी करें, हमारी जो सीट्स है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल गुरुजी में, तो आप इस दिए हुए नंबर जो कि है 9111266598 इस पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं और ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इंजीनियर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।